नमस्कार, मैं रेहान मसीह और आप देख रहे हैं नेशन लाइव 24x7। आज़ादी के 75वें वर्षगांठ पर जिला समाहरणालय में मनाया गया अमृत महोत्सव। आपको बताते चले, जहानाबाद जिला के समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में भारत की आज़ादी को 75वें गांठ के उपलब्धि में अमृत महोत्सव का जिला हिमांशु कुमार राय, सदर विधायक सुदय यादव, मखदुमपुर विधायक सतीश कुमार दास जी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम के उद्घाटन किया। जिलाधिकारी ने आए हुए अतिथियों को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के द्वारा आवश्यक पुल पुलिया और क्रॉस ड्रेनेज संरचनाओं के साथ वाराणसी पथ का के द्वारा ग्रामीण सजावटों को संपर्कता प्रदान करने की प्राथमिकता उद्देश्य को लेकर 25 दिसंबर 2020 को प्रारंभिक की गई थी, ताकि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और उत्पादों के लिए बाज़ार तक पहुंच पथ प्राप्त हो सके। जहानाबाद जिले के परियोजना के संस्थापना के बाद से 12 अगस्त तक PMGSY के तहत कुल 534.38 किलोमीटर सड़क की लंबाई निर्माण किया गया और योजना के तहत कवरेज के लिए चिन्हित 1370 योग्य बसावटों के हर मौसम सड़क संपर्क प्रदान किया जा चुका है। हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जल ही तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय देखिए आगे की रिपोर्ट रेहान मसीह के साथ नेशनल लाइव 24x7 से रहे भक्त के साथ। एनआरडीए के निर्देशन में ग्रामीण कार्य प्रमंडल जहानाबाद के द्वारा ग्रामीण सड़क विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया है। के छूट गए जो 1000 से कम थे, तो 2006 में 500 से 999 के बीच के जितने पॉपुलेशन के गांव हैं, हम उनको जोड़ेंगे, क्योंकि केंद्र के योजना से ये योजनाएं बाहर हैं। इस सेमिनार की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे बड़े भाई जहानाबाद के लोकप्रिय विधायक माननीय सुदय यादव जी, अध्यक्ष अभियंता जी, कार्यपालक अभियंता, सारे सहायक अभियंता, जूनियर इंजीनियर और तमाम उनके हेल्पिंग हैंड्स जो यहाँ पर मौजूद हैं, सभी को मैं क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूँ। इस सेमिनार में उनका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कार्य विभाग के अभियंताओं या फिर विभाग के अधिकारियों के द्वारा जिस तरह सड़क के निर्माण में जो राशि खर्च होता है, आज से 5-7 साल पहले 10 साल आज समाहरणालय के सभा कक्ष में ग्रामीण कार्य विभाग जहानाबाद के द्वारा अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया था और पूरे विस्तार से जहानाबाद जिले में जितनी भी ग्रामीण सड़कें हैं, संख्यावार और योजनावार जिन जिन योजनाओं से सड़क बनी है, उसकी विस्तार से ग्रामीण कार्य विभाग के अभियंताओं ने इसकी जानकारी दी
और चूँकि यह बड़ा ही सुखद क्षण था जब मेरा पूरा देश स्वतंत्रता का 75वां वर्षगांठ मना रहा था और उसके बाद हम लोग आज समाहरणालय सभा कक्ष में जहानाबाद में जो ग्रामीण सड़कें थी वो कैसे बढ़िया रहे, कैसे गांव तक उसको जोड़ा जाए, इन सारी विषयों पर हम लोगों ने विस्तार से चर्चा करने का काम किया है और उसमें हम लोगों ने कुछ सजेशन भी दिया है ग्रामीण कार्य विभाग के अभियंताओं को कि आप ग्रामीण कार्य विभाग की जो सड़क बनाते हैं तो जिन गांवों से होकर के ग्रामीण सड़कें गुजरती है वहां पे नाला का प्रावधान नहीं रहने के चलते वो सड़क टूट जाती है और फिर कहां पुल पुलिया होना चाहिए, कहां सुरक्षा वाल होना चाहिए, इन सारी बातों को हम लोगों ने स्मरण कराया है और ये सारी बातें आज से मीरान के माध्यम से अधीक्षण अभियंता कार्यपालक अभियंता सब लोगों से हम लोगों ने बोलने का काम किया है कि आप लोग विभाग को भी अवगत कराइए तभी जाके ग्रामीण सड़क लंबे काल तक अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा, मजबूत रहेगा। इन सारी बातों पर आज चर्चा होगी। इससे बाढ़ पानी जो भी आया बहुत सारे घर डूब गए उस पर आपने क्या कर दिया? देख लीजिए ये जो बाढ़ ने जिन गरीबों का घर गिरा है तो हम लगातार जिला पदाधिकारी और आपदा प्रभारी जो यहाँ हैं उन लोगों के हम संपर्क में हैं और सब लोगों को चूँकि हम लोग कोई यहाँ डीएम ऑफिस में नहीं बैठते हम लोग तो चूँकि रोज दिन आज जो सेमिनार आयोजित की गई आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के मौके पर इसमें उन्हीं टेक्निकल बिंदुओं पर चर्चा की गई कि सड़कों को लंबे समय तक सुंदर और सुरक्षित कैसे रखा जाए। तो हमने विस्तार से रखा कि कैम्बर के अभाव में सड़कें टूट रही हैं, जो अर्थवर्क के बाद जो GSP होता है उसमें सैंड की मात्रा कम होने से अगर उसमें मिट्टी की मात्रा ज़्यादा होगा तो पानी ज़्यादा ऑब्जर्व करके रखेगा और सड़कें टूटेंगी। तो सैंड की मात्रा जो मात्रा तय की गई उस मात्रा में अगर उसमें सैंड मिलाया जाएगा तो पानी जाने के बाद वो निकल जाएगा। तो इन तमाम छोटी छोटी बातों पर अगर हम ध्यान देते हैं तो एक बेहतर सड़क होगा। प्लस 5 साल मेंटेनेंस के साथ में सड़कें बन रही हैं लेकिन मेंटेनेंस नहीं होने के वजह से सड़कें तेज़ी से टूटती हैं। मेंटेनेंस पर ध्यान दिया जाए और सड़कें बढ़ रही हैं तो दुर्घटना भी बढ़ रहा है, इस पर भी बहुत ध्यान देने की बात है कि रोड किनारे अब ग्रामीण कार्य विभाग भी रोड सेफ्टी का स्लोगन लगाएं, लोग को अवेयर करें कि हेलमेट लगाना क्यों जरूरी है, सीट बेल्ट लगाना क्यों जरूरी है, स्पीड ग्रामीण सड़कों में स्पीड कितना लिमिट होना चाहिए, इन तमाम चीज़ों के प्रति भी लोग को अवेयर किया जाए। अब हम लोग जा कर के जो लोग सुरक्षित यात्रा जो हमारा एक सपना है उसको पूरा करें। आपने बहुत सारे क्षेत्र भी घूमे गाँव का, वहाँ कैसा आपने पाया? अभी हमारा मखदुमपुर का लगभग 3 पंचायत पूरी तरीका से जलमग्न है, उसमें हजारों एकड़ में फसल बर्बाद हो रही है। तो जिला पदाधिकारी से हमने मिल करके उनका सर्वे करा करके उनके फसल क्षतिपूर्ति की अविलंब भुगतान हो इसकी मांग रखी है और सैकड़ों के संख्या में घर गिरे हैं तो उनका घर बनाया जाए, उनको अभी तुरंत पॉलिथीन तिरपाल दिया जाए, उनको खाने का राशन दिया जाए, इन तमाम चीज़ों पर काम हो रहा है। जल निकासी होने के बाद जो रोड कटी है, सड़कें टूटी हैं, उसको अविलंब मोटरेबल बनाया जाए और उसके बाद जहां पे होम पाइप वाला पुल है अगर वहां ज़रूरत है RCC पुल का तो वहां पर RCC बनाया जाए। इन तमाम चीज़ों पर कार्यपालक अभियंता और जिला पदाधिकारी से बातें हुई हैं और आने वाले दिन में जो बाढ़ की विविधता है अगर इन छोटी छोटी बातों पर हम ध्यान दें तो बाढ़ की विविधता को हम लोग कम कर सकते हैं।